हाय फ्रेंड्स, टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला सवाल रहने वाला है, विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ग्वाटेमाला देश, भारत देश, नॉर्वे देश या फिर चीन देश। तो इलायची के उत्पादन में भारत देश कुछ खास नंबर पे नहीं है, लेकिन जो विश्व में सबसे ज़्यादा देखा जाए, जहाँ पे इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वो है ग्वाटेमाला देश। हमारा अगला सवाल होने वाला है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। आपके को यहाँ पे क्विज रहने वाले हैं, दुबई, सिंगापुर, भारत या फिर अमेरिका। तो जो सिंगापुर है ना, वहाँ पे ना कूड़े कचरे से बिल्कुल बिजली बनाई जाती है, और ये बात बिल्कुल सच है। वहाँ पे कूड़े कचरे का यूज़ करके बहुत ज़्यादा मतलब डिग्री पे पिघला के ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? आपके ऑप्शंस हैं अस्थमा, शुगर, बुखार या फिर डेंगू। तो अगर आप लोग मूली खाते हैं ना, तो मूली वैसे भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन अगर आपको शुगर है तो शुगर के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है मूली खाना। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल होने वाला है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन ए। तो जो इसमें घाव वगैरह हम देखते हैं ना, विटामिन के क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है। तो घाव भरने में जो हेल्पफुल होता है ना, वो विटामिन के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारा यहाँ अगला सवाल रहने वाला है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा, पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके ऑप्शन है लुधियाना में, अमृतसर में, उड़ीसा में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो करेक्ट आंसर है अमृतसर। आपको ये बताना है अमृतसर जो है किस राज्य के अंदर में आता है। आपका अगला सवाल है, धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो धूप में जो सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है उसे हम, अगर उसकी कमी हो जाए तो काफ़ी सारी बीमारियां भी हो जाती हैं हड्डी से रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विटामिन डी। हमारा यहाँ पे अगला सवाल होने वाला है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? आपके ऑप्शन है 43 दांत, 42 दांत, 80 दांत या फिर 82 दांत, यानी कि 82 टीथ्स बोल सकते हो अगर किसी को हिंदी में ना समझ में आ रहा हो तो। तो मगरमच्छ के जो दांत होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ टीथ्स जो होते हैं 82 टीथ्स होते हैं मगरमच्छ के। हमारे यहाँ पे अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ताकतवर में देखा जाए तो अमेरिका को माना जाता है, क्योंकि उसकी जो आर्मी है वो काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे फिलहाल हम बात करें सबसे बड़ा देश, तो आपके ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या फिर अमेरिका। तो भारत नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है उसे रूस माना जाता है। नेक्स्ट, बेल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? बैल जिसे हम कहते हैं। आपके ऑप्शन है नेपाल, स्पेन, फ्रांस या फिर पाकिस्तान। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है, और बेल जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय पशु है। कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? स्पेन का। जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते थे ना, कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट है, खरगोश का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? आपके ऑप्शन है 12 वर्षों का, 4 वर्षों का, 8 वर्ष का या फिर 15 वर्षों का। तो जो खरगोश होता है उसका जो जीवन काल होता है वो मैक्सिमम 12 ईयर्स तक का होता है, यानी कि 12 वर्षों तक उसका जीवन काल माना जाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।